माँ मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ। रब्बा ओ इडियट, क्या हुआ मैम साहब, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गाड़ी पे अपने गंदे पैर रखने की? और ये क्या है? सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था ये गाड़ी आपकी है। ये मेरी पानी की बोतल है, लाइए मुझे दे दीजिए। इतनी गंदी चीज तूने मेरी गाड़ी पे रखी? मैडम आपने ये तो अच्छा नहीं किया, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया था। चुप बदतमीज, जिस गाड़ी के टायर पर तूने पैर रखा है ना, उसकी कीमत तेरी ऐसे से काफी ज्यादा है। मैम साहब क्यों फालतू बोली जा रही हो, जब मैंने आपको सॉरी बोल दिया तो। मैम साहब क्यों फालतू में बवंडर करे जा रही हो, मुझे जाने दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तू समझता क्या है अपने आप को? तू लोगों को ये दिखाना चाहता है कि ये गाड़ी तेरी खुद की है? लेकिन मैम साहब मैंने आपसे कब बोला कि ये मेरी खुद की गाड़ी है? मन तो कर रहा है जिस पहिये पे तूने पैर रखा है ना, वही पहिया तेरे ऊपर उतार दूं। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद इस गाड़ी के आसपास दिख मत जाना। चल अब निकल जा यहाँ से। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया। इस दुनिया में ना गरीबों को कोई इज्जत नहीं है। पता नहीं यार अमीर लोग गरीबों को क्या समझते हैं। आपने दवाई खाई या नहीं खाई? बेटा दवा तो मैंने खा ली, कुछ आराम ना मिला। इसे तो भगवान मुझे ठा ले तो ठीक है। माँ ऐसा मत बोलो, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं जाती मैं दिन रात मेहनत करके आपकी दवाई ला कर दूंगा। बेटा आज मेरी दवा भी आनी है। ठीक है माँ, पर आज तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी तो होना है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। माँ अब तुम आराम करो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। एक गिलास पानी ला दो मुझे। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। ठीक है माँ अब मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ, तुम टाइम से दवाई ले लेना। ठीक है बेटा।
मेरी खता कोई मुझको बताए। अबे ओए, देख के नहीं चला सकता गाड़ी? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। क्या बोल रहा था? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अबे इतना आसान नहीं होता अमीर होना। अमीर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तुम जैसे लोग गरीबी में पैदा होते हो और गरीबी में मर जाते हो। मैडम, कम से कम गाड़ी तो देखकर चला लिया करो। मेरे पास से होकर गुजरी है, अगर मेरे चोट लग जाती तो। और बात रही अमीर होने की, अपने बाप दादा की दौलत पर इतना घमंड मत करो। अगर हिम्मत है तो अपने दम पर अमीर बनकर दिखाओ। अच्छा, तुम अपने दम पर कुछ कर सकते हो? ये खाली मुंह चलाना आता है। मैं गरीब जरूर पैदा हुआ हूँ, पर गरीब मरूंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो ठीक है, एक वादा मेरा भी है तुझसे। अगर तू अपनी जिंदगी में कुछ बन गया ना, तो सारी उम्र में तेरी नौकरानी बनके गुजारूंगी, तेरा हर हुकुम मानूंगी और तेरी गुलाम बनके रहूंगी। मैडम, आपने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। शायद आपको पता नहीं है, मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम गरीब लोग ना दिमाग से भी गरीब होते हो। अरे, UPSC की कोचिंग की फीस भी नहीं भर पाएगा तू। मैडम, मैं UPSC की कोचिंग की फीस भरने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। हाँ हाँ, देख लूंगी। और वैसे भी तू IAS कभी नहीं बन पाएगा। चल अब निकल यहाँ से। ओए, इधर आ। अरे छोटे मालिक, आप? हाँ मैं। बताइए कैसे आना हुआ? कैसे क्या, मैं तेरे घर गया था, तेरी माँ ने कहा कि वो तो खेत पर है। मैं आज इसलिए आया हूँ, तेरे बाप ने जो 1,00,000 रुपये लिए थे, मैं आज उन्हें लेने आया हूँ। क्या, 1,00,000 रुपये? छोटे मालिक, मेरे पास तो अभी 1,000 रुपये भी नहीं है, इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा आपको? अब मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गए, अब तो तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। छोटे मालिक, आप मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अभी कहाँ से चुकाएगा तू, तुझे इतने दिन तो हो गए, तुझसे मेरा 1 रुपया तो दिया नहीं गया। छोटे मालिक, आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द चुका दूंगा, क्योंकि मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। अबे, तू IAS की तैयारी कर रहा है? तुझसे मेरे पैसे तो दिए नहीं जा रहे, और तू UPSC की फीस कैसे भरेगा? छोटे मालिक, मैं थोड़े थोड़े इधर उधर से पैसे करके अपनी कोचिंग की फीस भर देता हूँ। अबे, IAS बनने का सपना छोड़ दे, तेरी औकात नहीं है IAS बनने की, इससे तो अच्छा तू प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ले, तेरे लिए वही बेहतर होगा। नहीं छोटे मालिक, मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है, मैं एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनूंगा। हाँ हाँ, चल ठीक है, तेरे पास कुछ दिनों का समय है, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरा घर खाली करवा दूंगा। ठीक है छोटे मालिक, मैं आपके पैसे बहुत जल्द चुका दूंगा। तो ठीक है, तेरे पास कुछ दिनों का समय है, अब तू IAS बन या प्रधानमंत्री, तुझे मेरे पैसे बहुत जल्द लौटाने हैं। ठीक है छोटे मालिक, आप टेंशन मत लो। अबे, मुझे काहे की टेंशन लेनी है, टेंशन तो तुझे लेनी है कि तू मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना वादा याद रखना। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। हे भगवान, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तो मुझे अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जानी है, और ऊपर से अपनी UPSC की पढ़ाई करनी है।
और छोटे मालिक का कर्जा भी उतारना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंधेरे छाए हाँ माँ बेटा वो कर्जे वाले आए थे। हाँ माँ वो मेरे पास खेत पर भी गए थे। तो बेटा उन्होंने क्या कहा? माँ वो बोल रहे थे अगर तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो हम तेरा घर खाली करवा देंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे अब? माँ मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिनों के अंदर लौटा दूंगा। बेटा इतने पैसे कहाँ से लाएगा? माँ मैंने IAS का फॉर्म डाल रखा है, अगर भगवान ने चाहा तो मैं IAS बन जाऊंगा। बेटा टेंशन मत ले भाई, तू भगवान अपनी सुनेगा। हाँ माँ मुझे भी पूरा यकीन है भगवान हमारी जरूर सुनेगा। बेटा अब तू आराम कर ले। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? और ये इससे कुछ गलती हो गई क्या? अरे तुम्हें नहीं पता ये शहर के नए कलेक्टर हैं। न्यू कलेक्टर? आइए सर अंदर बैठिए। नहीं मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ। याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि तेरी औकात नहीं IAS ऑफिसर बनने की? और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन जरूर IAS ऑफिसर बनूंगा। और देखो आज मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ। सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको उस दिन बहुत बुरा भला कहा था। अरे नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, उस दिन आपका गुस्सा जायज़ था। मुझे आज अच्छे से समझ में आ गया है कि कभी किसी गरीब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। और हाँ आपके वादे के मुताबिक आपके पैसे ब्याज समेत शाम को आपके घर पहुँचा दिए जाएंगे। ऑफिसर शाम को इनके घर 2,00,000 रुपये पहुँचा देना। ओके सर। ठीक है अब मैं चलता हूँ। अरे सर थोड़ा नाश्ता हो जाता तो? अरे नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर जैसी आपकी मर्जी। ओके सर चलो चलते हैं। ऑफिसर गाड़ी रोको। सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं तुम यहीं रुको मैं भी आता हूँ। हाँ जी मैडम क्या हाल चाल आपके, पहचाना मुझे या फिर नहीं? हाँ कैसे भूल सकती हूँ मैं तुझे, आखिर तुझसे शर्त जो लगाई थी। अच्छा तो आपको क्या लगता है मैं अपनी शर्त पूरी कर सकता हूँ या नहीं? मुझे तेरे पे 1% भी विश्वास नहीं है कि तू अपनी शर्त पूरी कर सकता है। सर
हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। सर कौन है ये? आपको नहीं पता? ये हमारे शहर के नए आईएएस ऑफिसर हैं। क्या तुम आईएएस ऑफिसर बन गए? हाँ तो मैडम, आपने मुझसे शर्त लगाई थी जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे पैरों में गुजार दोगी और मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। मिस्ट्री क्या बोल रहे हैं सर, किसी से शर्त लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था। और हाँ मैडम, आपको देखकर लग रहा है कि आपका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ नीचे दिखाने नहीं आया हूँ। चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर एक बात हमेशा याद रखना, जैसा मजाक तुमने मेरे साथ किया था कभी किसी गरीब के साथ मत करना, क्योंकि कोई भी गरीब किसी भी हद तक गुजर सकता है। कोई बात नहीं सर, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑफिसर चलो चलते हैं। Yeah. You already know. We roll.